सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया, चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश। दिल्ली में विपक्ष हिंसा फैला रहा है, अरविंद केजरीवाल विपक्ष को हार का डर, केजरीवाल जो हार रहे हैं वो दंगे करा रहे हैं। तो केजरीवाल किसी को हिंसा इजाजत नहीं देता। अरविंद केजरीवाल ने ये बोला कि हमारी पार्टी पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जो हार रहे हैं वो दंगे करवा रहे हैं। तो जिस तरह से फिलहाल दिल्ली में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसी बीच अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान दिया गया कि किसी को हिंसा की इजाजत नहीं, हमारी पार्टी पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और चुनाव से पहले माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जो हार रहे हैं वो इस तरह के दंगे करा रहे हैं, तो चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश। बड़ी खबर इस वक्त की, तो दिल्ली में विपक्ष हिंसा फैला रहा है, तो सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को हार का डर है और जिन्हें हार का डर वो ही दंगे करा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ये बयान सामने आया है, तो जिस तरह से सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और जामिया में जो हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला उसके बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण अभी फिलहाल दिल्ली में बनी हुई है, और इसी हिंसा पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान देते हुए कहा कि जिसको हर खार का डर सता रहा है वो ही दंगे फैला रहे हैं, तो चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। तो दिल्ली में विपक्ष दंगे फैला रहा है, विपक्ष को हार का डर है, अरविंद केजरीवाल का ये बयान, तो साफ तौर पर विपक्ष पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि किसी को हिंसा की इजाजत नहीं है, माहौल खराब किया जा रहा है और हमारी पार्टी पर गलत आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली हिंसा पर अरविंद केजरीवाल का ये बयान बड़ी खबर इस वक्त की, तो चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश। तो सीए को लेकर लगातार जो विरोध है वो पहले पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब दिल्ली में भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। कई इलाकों में धारा 144 जो है वो लगाई गई है, कई रूट को भी डायवर्ट यहां पर किया गया है, और अब जिस तरह की स्थिति बन रही है उस पर अरविंद केजरीवाल ने बयान देते हुए कहा कि जो हमारी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हार रहे हैं वो ही इस तरह की हिंसा फैला रहे हैं।